हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर 1 का सेट 14, और ये पेपर हुआ था 9 अगस्त 2017 को आफ्टरनून शिफ्ट में। तो ये रियल क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस की मदद से आपको फोर्थ कमिंग एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, सीपीयू एग्ज़ाम, सीएचएसएल एग्ज़ाम और दूसरे सभी एसएससी एग्ज़ाम्स को कवर करने में मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, एक ये स्पॉटिंग रर का क्वेश्चन है। आई वॉज शॉक्ड टू हीयर दैट हर हस्बैंड डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। डाई के बाद हम ऑफ भी लगाते हैं और फ्रॉम भी लगाते हैं। डाई के बाद हम बीमारी से कोई व्यक्ति मरता है तो उसके लिए हम ऑफ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर बीमारी का मेंशन नहीं है, यहाँ पर एक्सीडेंट से एक व्यक्ति की डेथ होने का मेंशन है। तो इसलिए यहाँ पर हम ऑफ नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम फ्रॉम लगाएंगे, और इस क्वेश्चन में आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा सी। आप देख सकते हैं डाई ऑफ कैंसर आप बोल सकते हैं क्योंकि कैंसर बीमारी का नाम है, डाई ऑफ मलेरिया आप बोल सकते हैं, लेकिन डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग एंड डाई फ्रॉम एन एक्सीडेंट, ये है सही कंस्ट्रक्शंस। तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी एट ऑल। तो रीजन और बिकॉज ये एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं, इसलिए रीजन के बाद हम बिकॉज ना लगाते हुए हम यहाँ पर लगाएंगे दैट। रीजन के साथ हम दैट लगाते हैं, और बी पार्ट इसमें आपका सही आंसर होगा। द रीजन दैट इज द करेक्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, रीजन के बाद हम दैट लगाते हैं, बिकॉज नहीं लगाते। बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विराट कोहली एडेड अनदर फेदर इन हिज कैप होगा। यहाँ पर फेदर इन समवंस कैप होता है, फेदर इन समवंस कैप होता है, तो ए यहां पर आपका सही आंसर होगा। इन यहां पर यूज होगा। अ फेदर इन योर कैप मींस एन अचीवमेंट दैट यू कैन बी प्राउड ऑफ। एक ऐसा अचीवमेंट जिस पर आप गर्व कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं अ फेदर इन योर कैप। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओनली व्हेन फेल्ड द आर्मी रिजॉर्टेड टू फोर्स। रिजॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज का सहारा लेना। ठीक है, यहां पर फोर्स के सहारा लेने की बात हो रही है कि फोर्स का सहारा लिया। कब सहारा लिया? जब कोई चीज फेल हो गई। तो आर्मी फोर्स का सहारा तब लेती है जब वो समझाने में असफल रहती है, और समझाने बुझाने को हम बोलते हैं परसुएशंस। तो सी यहां पर आपका सही आंसर होगा। मैनिपुलेशंस होता है किसी सिचुएशन को, किसी व्यक्ति को स्किलफुली हैंडल करना। तो परसुएशंस यहां पर आपका सही आंसर होगा। परनीशियस का क्या मतलब है? परनीशियस ये बहुत कॉमन वर्ड है, इसका मतलब होता है हार्मफुल या डेंजरस या ऑफेंसिव। ठीक है, तो डेंजरस यहां पर इसका सही सिनोनिम होगा। इन वर्ड्स के मीनिंग्स देखते हैं। यहां पर परनीशियस का होता है हार्मफुल और डेंजरस। परनीशियस मींस हार्मफुल और डेंजरस। इनोकुअस का अर्थ होता है हार्मलेस, ये उसका अपोजिट है। इनोकुअस का अर्थ होता है हार्मलेस और इनऑफेंसिव। ठीक है, काफी कॉमन वर्ड है ये। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट कोई भी चीज, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिंजेंट हैं, तो इसका मतलब वो काफी कड़े हैं, काफी स्ट्रिक्ट हैं। तो स्ट्रिंजेंट का अर्थ होगा रिगरस। इंसिडेंटल का अर्थ होता है सेकेंडरी। रिवेंजफुल का मतलब बदला लेने वाला, और एनोइंग का मतलब इरिटेटिंग। स्ट्रिंजेंट मतलब रिगरस, इसका एंटोनिम होगा लिनियंट। इंसिडेंटल मतलब जो सिग्निफिकेंट नहीं है, जो मेन नहीं है, जो सेकेंडरी है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंटल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वैक्सेसियस। वैक्सेसियस मतलब जो इरिटेटिंग होता है, और सूदिंग मतलब जो इरिटेटिंग नहीं होता। तो वैक्सेसियस का एंटोनिम होगा यहां पर सूदिंग। ठीक है, प्लाइबल का अर्थ होता है इजीली बेंट और फ्लेक्सिबल, या जिस पर जल्दी से कोई प्रभाव पड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लाइबल। ट्रेचरी का मतलब धोखा या बिट्रेयल होता है। कैलेमिटस का अर्थ होता है डिजास्ट्रस। चलिए आगे देखते हैं। वर्जियन। वर्जियन का अर्थ होता है जो काफी आगे बढ़ रहा है, जो काफी बूस्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं वर्जियन। तो श्रबल इसका एंटोनिम होगा, क्योंकि श्रबल का अर्थ होता है कम होना या सिकुड़ना। वर्जियन का अर्थ होता है मल्टीप्लाई होना, प्रॉस्पर होना, फलना फूलना, उसको हम बोलते हैं वर्जियन। इसका एंटोनिम होगा श्रबल और श्रिंक। माउंट का मतलब राइज या इंक्रीज होता है। बोलस्टर का मतलब बूस्ट या सपोर्ट होता है, इसको आप रीइंफोर्स एक्सटेंडन भी बोल सकते हैं। और जब आप बोलस्टर नहीं करते किसी चीज को तो उसको हिंडर करते हैं आप, हिंडर या इम्पीड इसका एंटोनिम होगा। एम्पलीफाई का मतलब किसी चीज को बढ़ाना होता है। यहां पर इडियम और फ्रेजेस के आंसर्स आपको देना है। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का अर्थ होता है कि आपके पास केवल इतना पैसा है कि आप उसमें अपनी गुजर बसर कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी आपके पास एक्स्ट्रा नहीं है। तो लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ ये काफी बुरी कंडीशन होती है।
तो यहां पर इसका सही आंसर होगा सी, टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, मतलब जितना जरूरत है, जितने से आपका आप जीवित रह सकते हैं, केवल उतना ही पैसा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो काफी मिजरेबल ये कंडीशन मानी जाती है। तो सी यहां पर इसका सही आंसर होगा, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। नेक्स्ट देखते हैं, टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि आपने कोई गलत काम कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपको उसके जो परिणाम है उनको आपको भुगतना पड़ेगा। टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम को भुगतना। बेयर मतलब सहन करना, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैव डन फॉर हिज वाइफ। देखिए, उसने मुझे थैंक किया, ठीक है, ये चीज पास्ट में हम बोल रहे हैं कि उसने मुझे थैंक किया, उसने मुझे धन्यवाद किया, लेकिन उसने मुझे धन्यवाद किस चीज के लिए किया, जो मैंने उसकी वाइफ के लिए किया था। तो वाइफ के लिए करने वाला कोई भी काम तो पहले हो चुका था, उसके बाद ही तो वो धन्यवाद देगा। तो इसके बाद इसका मतलब थैंक का मतलब हुआ कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट से पहले एक काम और हो चुका था, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आपका आंसर होगा ए, हैड डन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हार्डली नथिंग वॉज ऑफर टू द विक्टिम्स ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के जो विक्टिम्स थे उनको कुछ भी ऑफर नहीं किया, मुश्किल से कुछ ही ऑफर उनको किया गया। तो हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, इसके डबल नेगेटिव वर्ड नहीं लगा सकते। हार्डली और नथिंग ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं, इसलिए हार्डली के साथ हम एनी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एनी का प्रयोग नेगेटिव वर्ड्स के साथ होता है। तो एनी यहां पर लगा देंगे, हार्डली नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो हार्डली और नथिंग इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों ही ये नेगेटिव वर्ड है, और एनी के साथ हम हार्डली का प्रयोग कर सकते हैं। एनी का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। तो यहां पर इसका सही आंसर होगा हार्डली एनीथिंग, हार्डली एनीथिंग। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड। किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और अपने खुद के बच्चे को मारना, इसको हम क्या बोलेंगे। देखिए, इन्फेंटिसाइड होता है नवजात शिशु को मारना, इन्फेंट हम उसको बोलते हैं, शिशु को बोलते हैं, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। और फेटीसाइड का मतलब होता है गर्भ में किसी बच्चे को मार देना, फेलीसाइड एक्चुअली होगा इसका, फेलीसाइड मतलब अपने अपने डॉटर या सन को मार देना। और लूपीसाइड होता है वुल्फ के लिए, लूपीसाइड होता है किलिंग ऑफ वुल्फ्स, ठीक है, फेलीसाइड किलिंग ऑफ वन सन और डॉटर, लूपीसाइड किलिंग ऑफ वुल्फ। एर्गोफाइल, फाइल यहां पर वर्ड आता है, उसका मतलब है कि यहां पर हम हेट नहीं दिखा रहे हैं, यहां पर हम लव दिखा रहे हैं, किसी चीज से प्यार होना। एर्गोफाइल अ पर्सन हु लव्स टू वर्क, ठीक है। ऑनोफाइल अ कॉनिसर ऑफ वाइन्स, जो शराब को पसंद करता है उसको हम बोलेंगे ऑनोफाइल। तो फाइल मतलब पसंद करना और साइड मतलब मारना, ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। तो यहां पर सही आंसर होगा फेलीसाइड। अ लवर ऑफ वर्क, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर होगा एर्गोफाइल। फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिस वर्ड की स्पेलिंग गलत है उसको आपको सही करना है। यहां पर पर्सनल में डबल एन नहीं आता, तो बी इसमें आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर इनकरेक्ट वर्ड देखना है, स्टूपीफैक्शन, ये सही है, प्रिफरेंशियल सही है, सर्विलेंस में डेट्रीमेंटल, सर्विलेंस में ए आता है, यहां पर सी इसमें गलत है स्पेलिंग, सर्विलेंस में ए आता है, हाँ सर्विलेंस ऑब्जर्वेशन होता है इसका मतलब, स्टूपीफैक्शन बेफलमेंट कंफ्यूज हो जाना, डेट्रीमेंटल हार्मफुल। आगे देखते हैं, पैराजंबल का ये क्वेश्चन है और ये हैं इसके ऑप्शंस। पैराजंबल को हम नॉर्मली नाउन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद प्रोनाउन आता है, ठीक है, लेकिन नाउन को थोड़ा सा घुमा के दे सकते हैं। जैसे इसको हम देखते हैं, इट हैज़ बीन द, इट से ये शुरू नहीं होगा, देयर फोर से शुरू नहीं होगा, एजुकेशन से शुरू हो सकता है, और एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स नॉलेज एंड देयर फोर इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर। देखिए, ये एक पैसेज है, पैसेज को हम कभी कभी कोटेशन से भी शुरू करते हैं, तो इसमें कोटेशन यहाँ पर दिया है, इट इज़ एन ओल्ड सेइंग दैट नॉलेज इज पावर, इट इज़ एन ओल्ड सेइंग दैट नॉलेज इज पावर। और इसके बाद आप ये वाला बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नॉलेज वर्ड दिया हुआ है, एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स नॉलेज। पहले हम बोल रहे हैं नॉलेज इज पावर,
उसके बाद हम बोल रहे हैं एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स नॉलेज एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली कंट्रोल पावर। हाँ, तो यहाँ से ये बिल्कुल सही बन रहा है, एस आर हम लगा सकते हैं इसमें। एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स नॉलेज एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर। देयरफॉर एवर सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन पर्संस इन पावर हैव ऑलवेज ट्राई टू सुपरवाइज और कंट्रोल एजुकेशन। इसके बाद ये आ जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, इसमें एस फर्स्ट हो जाएगा, आर सेकेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड, और उसके बाद आप ये बोल सकते हैं इट हैज़ बीन द हैंड मेड ऑफ द रूलिंग क्लास। यानी इस पैसेज में ये बता रहे हैं कि नॉलेज एक पावर है, जिस व्यक्ति के पास नॉलेज है उसके पास पावर है, तो इसलिए जो व्यक्ति पावर में रहता है, जिसके पास पावर रहती है, वो नॉलेज को और एजुकेशन को सुपरवाइज करना पसंद करता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस होगा आपका एस, इट इज एन ओल्ड सेइंग दैट नॉलेज इज पावर। ठीक है, सेकेंड आपका जो सेंटेंस होगा वो होगा आर, एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स नॉलेज एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर। ठीक है, एजुकेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो नॉलेज को इम्पार्ट करता है। ठीक है, देयरफॉर इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर, और इसीलिए एवर सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन पर्संस इन पावर हैव ऑलवेज ट्राइड टू सुपरवाइज और कंट्रोल्ड एजुकेशन। ठीक है, इट हैज़ बीन द हैंडमेड ऑफ द रूलिंग क्लास, ये रूलिंग क्लास के कंट्रोल वाली चीज रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ट्रिकी सेंटेंस है, और सी इसमें आपका सही आंसर होगा, एस आर क्यू पी। नॉलेज इज पावर अपने आप में एक सब्जेक्ट है, एक्चुअली नॉलेज इज पावर अपने आप में एक टॉपिक है, तो इसलिए ये सेंटेंस यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, नॉर्मली कोई भी पैसेज होता है वो नाउन से शुरू होता है, तो इसमें ये एक नाउन है या एक टॉपिक है या सब्जेक्ट का नाम है, ऐसे आप मान सकते हैं। ठीक है, तो एस आर क्यू पी इसका सही आंसर आपको आपका होगा। काफ़ी ट्रिकी ये सेंटेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं, और ये हैं इसके ऑप्शंस। इसमें देखिए, इसमें दिस दिया है, तो दिस तो प्रोनाउन है, दिस से स्टार्ट नहीं होगा, जनरली से स्टार्ट नहीं होगा, और रूरल पॉपुलेशन से, रूरल पॉपुलेशन भी नाउन है लेकिन इंडिया से बड़ा नाउन है, इंडिया से बड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक नाउन है, तो इंडिया से शुरू कर सकते हैं इसको। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस, मतलब इंडिया गाँव का देश है, मतलब गाँव ज़्यादा है शहर कम है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला सेंटेंस सेकेंड हो सकता है, रूरल पॉपुलेशन स्टिल डोमिनेट्स द अर्बन पॉपुलेशन एज फार एज द नंबर इज कंसर्न, मतलब अभी भी रूरल गांवों की जो जनसंख्या है वो शहरों की जनसंख्या से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि इंडिया गांवों का शहर है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, और उसके बाद हम यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट, मतलब ऐसा इस फैक्ट के बावजूद होता है, मतलब इससे पहले कोई फैक्ट आएगा, यानी जो फैक्ट है वो ये है। ठीक है, तो इसमें भी आपका एस आर क्यू पी ही सही आंसर होगा, एस आर क्यू पी, दिस से पहले एक फैक्ट आएगा, दिस एक फैक्ट की बात कर रहे हैं, दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट, मतलब ऐसा इस फैक्ट के बावजूद है, वो फैक्ट पहले आएगा उससे। ठीक है, तो सी इसमें सही आंसर आपका होगा। द रेजिडेंट्स सेलिब्रेटेड दिवाली, रेजिडेंट्स ने जो वहां के रहने वाले लोग थे उन्होंने दिवाली मनाई, तो दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड, ये पास्ट सिंपल टेंस है, सेलिब्रेटेड मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो इसलिए दिवाली से शुरू होगा ये सेंटेंस, दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड बाय द रेसिडेंट्स, सी इसका सही आंसर होगा। ये है आपका नरेशन का क्वेश्चन, द फोर मैन सेट टू हिज वर्कर्स आई कैन नॉट पे यू हायर वेजेस, सेट चूंकि ये पास्ट में है तो कैन नॉट का कुड नॉट हो जाएगा, द फोर मैन सेट टू हिज वर्कर्स, यहाँ पर आई का हो जाएगा ही, ठीक है, ही कुड नॉट पे यू का हो जाएगा, यू एक्चुअली इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ये है प्लूरल, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा देम, यहाँ पर है कुड नॉट, यहाँ पर है ही, काफ़ी सारे प्रोनाउन इसमें चेंज करने हैं, और फोर मैन सेट टू हिज वर्कर, मतलब यहाँ पर दो पार्टी है, एक पार्टी दूसरे पार्टी से कुछ बोल रही है, तो इसलिए इसमें सैड या वॉर ना होते हुए टोल्ड इसमें सही ऑप्शन रहेगा, द फोरमैन टोल्ड हिज वर्कर्स दैट ही इसमें सही है, कुड नॉट सही है, पे इसमें सही है, डैम इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा बी, काफ़ी सारे प्रोनाउंस इसमें चेंज करने हैं, और इस तरह के सेंटेंस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें जिसमें काफ़ी सारे प्रोनाउंस रहते हैं, आई आई है इसमें, यू है इसमें, फिर वर्कर्स है, फिर फोरमैन है, मतलब एक साइड नाउन दिए हैं और दूसरे साइड इसमें प्रोनाउन दिए हैं।
तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा। ये क्लोज टेस्ट है और क्लोज टेस्ट को हम देखते हैं, इट इज नॉट टू इग्नोर ऑल एलिगेशंस ऑफ बूथ कैप्चरिंग एंड रिगिंग एज मर्मर्स ऑफ। देखिए जो जो एलिगेशंस लगते हैं बूथ कैप्चरिंग के और जो अफवाहें उड़ती हैं, जो लोग फुसफुसाते रहते हैं, जो जो लोग हार जाते हैं चुनाव में, उनके एलिगेशंस को पूरे तरीके से इग्नोर करना सही नहीं होगा। ये बात सही है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट इज़ नॉट रियलिस्टिक टू इग्नोर ऑल एलिगेशंस ऑफ बूथ कैप्चरिंग। बूथ कैप्चरिंग कुछ घटनाएं हो सकती हैं, तो अगर सारी घटनाओं को हम इग्नोर करें तो ये सही नहीं माना जाएगा, ये रियलिस्टिक नहीं होगा। इट इज़ नॉट रियलिस्टिक टू इग्नोर ऑल एलिगेशंस ऑफ बूथ कैप्चरिंग, ठीक है, एंड रिगिंग एज मर्मर्स ऑफ डिसग्रंटल्ड लूजर्स। जो जो लोग हार जाते हैं वो लोग ये बोलते हैं, वो लोग इस तरह से फुसफुसाते रहते हैं कि बूथ कैप्चरिंग हुई है, बेईमानी हुई है, तो वो लोग क्योंकि डिससेटिस्फाइड होते हैं, वो लोग थोड़े से अनॉयड और चिड़े हुए रहते हैं। डिसकंटेंट का मतलब ये है, ठीक है, तो वो लोग शिकायत करते रहते हैं, तो उनके आरोपों को पूरे तरीके से खारिज करना रियलिस्टिक नहीं होगा, उनके आरोपों में कुछ सच्चाई हो सकती है। तो डिसग्रंटल्ड एक एडजेक्टिव है, लूजर्स एक नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, तो इसलिए डिसग्रंटल्ड कहना सही होगा। ह्यूज लूजर्स तो कह नहीं सकते हम, रैशनल आइडियलिस्टिक ये वर्ड सही नहीं है, डिसग्रंटल्ड लूजर्स के साथ जाएगा यहाँ पर। हैव कम टू लाइट ऑफ इंटीमिडेशन ऑफ होल विलेज। कभी कभी देखिए इंटीमिडेशन का मतलब होता है धमकी देना किसी व्यक्ति को, थ्रेट देना, तो इस तरह की चीज़ें लाइट में आई हैं, इस तरह के उदाहरण, इस तरह की घटनाएं लाइट में आई हैं कि पूरी विलेज और कम्युनिटी को धमकी मिली है कि एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट करें। तो यहाँ पर एक्चुअली जो वर्ड चाहिए वो चाहिए आपको एग्जाम्पल्स या घटनाओं की इक्विवेलेंट, तो उसके लिए इक्विवेलेंट वर्ड है इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस मतलब इस तरह की घटनाएं आई हैं, प्रकाश में आई हैं। इंस्टेंसेस हैव कम टू लाइट ऑफ इंटीमिडेशन ऑफ होल विलेज एंड कम्युनिटी। एट टाइम्स इलेक्शन ऑफिशियल हैव बीन, इलेक्शन ऑफिशियल्स को भी कभी कभी धमकी दी जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा एट टाइम्स इलेक्शन ऑफिशियल्स हैव बीन थ्रेटन्ड। थ्रेटन्ड मतलब धमकी देना, हैव बीन थ्रेटन्ड बाय अनस्क्रूपलस पॉलिटिशियंस। अनस्क्रूपलस मतलब जो बेईमान जो लीडर्स होते हैं, जो जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं, वो धमकी देते हैं इलेक्शन ऑफिशियल्स को कि उनके अकॉर्डिंग काम किया जाए। इनटू टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू अनजस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब वो धमकी देते हैं कि हम बेईमानी करेंगे और उन अनजस्ट प्रैक्टिस पर आपको ध्यान नहीं देना है। टर्निंग ए ब्लाइंड आई टू डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस, या डिसऑनेस्ट के लिए आप बोल सकते हैं अनजस्ट। तो सी यहां पर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेट 14 था 2017 का, और इससे आगे के सेट भी मैं अपलोड करूंगा, वो भी आपको अवेलेबल होंगे। तो इन क्वेश्चंस की मदद से आपको हेल्प मिलेगी एसएससी सीजीएल टीयर 1 और टीयर 2 में, सीपीयू एग्जाम में, सीएचएसएल एग्जाम में और एमटीएस एग्जाम में। कोई भी आपकी क्वेरी या डाउट है तो इन ईमेल आईडी पर और इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।